ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का होड़ मचा हुआ है। इसी में हम लोग दो बड़े प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। अमेजोन ICICI के साथ मिलकर अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और साथ ही फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो आज हम लोग ये दोनों कार्ड के बारे में जानेंगे कि कौन सा कार्ड बेटर है और हम कौन सा कार्ड लेके ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसमें सबसे पहले अमेजोन ने 2018 में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, उसके बाद फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया 2019। तो आज इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को हम लोग 5 पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर हम लोग लेते हैं। तो 5 पैरामीटर्स होंगे ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, वेलकम बेनिफिट्स, रिवार्ड्स एंड डिस्काउंट एंड अदर बेनिफिट। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग फी की। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको ₹500 चुकाने पड़ेंगे प्लस GST 18%, यानी ₹590 आपको चुकाने पड़ेंगे ये कार्ड लेने के लिए। वहीं अगर आप अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर बात करें एनुअल फी का, तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको ₹500 प्लस 18% GST पे करना पड़ेगा, यानी आपको ₹590 पे करने पड़ेंगे एनुअली। वहीं अगर आप अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको एनुअली फ्री है, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सिस बैंक में अगर आप ₹2 लाख का साल में शॉपिंग कर लेते हैं तो जो आपका एनुअल फी होगा ₹590 वेव हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं वेलकम बेनिफिट का। तो जैसे आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको ₹500 का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा, जिसके थ्रू आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग कर सकते हैं और वो डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन आपको 30 डेज के अंदर उसको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर इस कूपन को कंसिडर किया जाए तो जो ज्वाइनिंग फी में आपने ₹590 दिया था उसमें ₹500 आपको वापस मिल गया, आपका सिर्फ खर्च हुआ ज्वाइनिंग फी में ₹90। वहीं वेलकम बेनिफिट अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में देखते हैं तो वहां पे जो अमेजोन का प्राइम मेंबर है उसको ₹300 का अमेजोन वाउचर मिलेगा और जो नॉन प्राइम मेंबर है उसको ₹150 का अमेजोन वाउचर मिलेगा, जिससे वो डिस्काउंट लेकर कोई भी सामान खरीद सकता है और इसमें 30 डेज की वैलिडिटी नहीं है, वो कभी भी खरीद सकता है। अगर बात करें डिस्काउंट रिवॉर्ड की, तो अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे तो आपको 5% फ्लैट कैशबैक मिलेगा। और वहीं अगर अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं और अगर आप प्राइम मेंबर है अमेजोन का तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा, अगर आप नॉन प्राइम मेंबर है तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा। वहीं अगर आप स्विगी, ऊबर, मैक माई ट्रिप पे कोई शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन अगर वही शॉपिंग आप अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे एक गेम खेला है। अगर आप 4% डिस्काउंट ले लेते हैं तो उसके बाद अगर कोई उस प्लेटफॉर्म पे और कूपन है वो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। लेकिन अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पे आप 2% का वो डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में अगर उस प्लेटफॉर्म पे कोई कूपन है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मानिए आप स्विगी में कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई IPL से रिलेटेड कोई कूपन चल रहा है, तो आप वो कूपन अप्लाई कर देंगे, वो डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप IPL का कूपन अप्लाई करके फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर अदर स्पेंड की बात करें तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड 1.5% कैशबैक देता है, वहीं अमेजोन 1% का कैशबैक देता है। लेकिन यहाँ भी फ्लिपकार्ट एक गेम खेला है, वो जो कैशबैक होता है वो मल्टीप्लाई बाई 1 करता है, यानी अगर आप ₹100 का कोई सामान खरीदते हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको 1.5% यानी ₹1.5 का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट 1.5 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, राउंड अप कर देता है और सिर्फ 1 का ही कैशबैक आपको देता है। और बात करें रेगुलर बेनिफिट की, तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप टू 20% डाइन आउट पे डिस्काउंट देता है, वहीं पे अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड फ्लैट 15% डिस्काउंट देता है। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड 15% फ्लैट डिस्काउंट देता है, यानी 15% आप जो भी सिलेक्टेड रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बोलता है कि जो डाइन आउट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा वो अप टू 20% मिलेगा सिलेक्टेड रेस्टोरेंट में, यानी कहीं पे आपको 5% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है। और अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड फ्लैट 15% देता है, यानी जितने भी सिलेक्टेड रेस्टोरेंट है सब पे आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा बेटर लग रहा है, जबकि डिस्काउंट का अगर फिगर देखा जाए प्राइमा फेसिया तो फ्लिपकार्ट का अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर अच्छा डिटेल्स अगर समझे तो आपको अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और वो बेनिफिट है, बाकी आप पे आप जो आपको जो बेटर लगे वो आप ले सकते हैं। और अगर आप अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर लग रहा है और उसके कौन से फीचर आपको सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।